सब्सक्राइब करें बी न्यूज़ को और बेल आइकन दबाएं। इटावा में 16वीं शताब्दी में निर्मित जामी मस्जिद है, जिसका निर्माण एक ऊंचे आधार पर पुराने हिंदू भवनों के अवशेषों से किया गया है। यहां हिंदू मंदिरों से घिरे 15वीं शताब्दी के एक किले का अवशेष भी है। इटावा का पुराना नाम इष्टिकापुर कहा जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध कविदेव इटावा निवासी थे। उन्होंने स्वयं ही लिखा है, दियोसरिया कविदेव को नगर इटावी वास यातायात और परिवहन वायु मार्ग इटावा का सबसे निकटतम हवाई अड्डा आगरा और ग्वालियर में है। रेल मार्ग इटावा रेल मार्ग द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त इटावा जिले में अन्य 6 रेलवे स्टेशन सराय भूपत 8 किलोमीटर, जसवंत नगर 16 किलोमीटर, बलराय 26 किलोमीटर, एक दिल 10 किलोमीटर, समहो 28 किलोमीटर और भरतना 19 किलोमीटर स्थित है। सड़क मार्ग भारत के कई प्रमुख शहरों से इटावा सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इटावा जिला ग्वालियर, आगरा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कानपुर और जालौन आदि से सड़क मार्ग द्वारा पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। उद्योग और व्यापार, इस शहर में कपास और रेशम बुनाई के महत्वपूर्ण उद्योग व तिलहन मिले हैं। जिले में धान मिलें भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। इटावा घी का वितरण केंद्र भी है। कृषि और खनिज, इटावा यमुना और इसकी सहायक नदियों द्वारा अवाहित जलोढ़ भूभाग पर स्थित है और इस क्षेत्र की सिंचाई गंगा नहर प्रणाली की एक नहर द्वारा होती है। यहाँ की फसलों में गेहूं, मकई, जौ और मोटा अनाज शामिल हैं। विशालकाय खड्डों के इस क्षेत्र में नदियों के किनारे मिट्टी के अपरदन की समस्या भी रहती है। पुनर्ग्रहण और कर लगाने संबंधी परियोजनाओं से कुछ भूमि वापस पाने में सहायता मिली है।